नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जनहित में आज बात करेंगे, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बड़ा बयान दिया है और बोला कि इससे प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को खतरा हो गया है। दिल्ली की जहरीली हवा के चलते पांचवीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 701 दर्ज किया गया है और दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर जिसमें दिल्ली टॉप पर है, कोलकाता तीसरे पर और मुंबई पांचवें नंबर पर है। पाकिस्तान का लाहौर शहर दूसरे नंबर पर। प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने पड़ गए हैं और आदेश भी दिया गया है कि इन स्कूलों को बंद किया जाए। दिल्ली की हवा 25 से 30 सिगरेट के धुएं के जितनी जहरीली हो गई है। दिल्ली में जीआरपी 3 को लागू कर दिया गया है। गैर जरूरी निर्माण तोड़फोड़ पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हरियाणा से एनसीआर फिर पूरब की तरफ पॉल्यूशन बढ़ गया है। कानपुर से गोरखपुर तक की हवा प्रदूषित हो गई है। नोएडा गाजियाबाद का AQI डेंजर खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में ग्रेटर नोएडा दूसरे नंबर पर है। सुबह से शाम तक गैस चैम्बर जैसे हालात नजर आते हैं, यानी आबो हवा पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है और दिल्ली और उसके आसपास के सारे इलाकों में लोग जहरीली सांस लेने को मजबूर नजर आ रहे हैं। प्रदूषण अपार है और जनता लाचार है। जनता करे तो भला क्या करे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर अब इन हालातों को कैसे काबू पाया जाएगा, कैसे इस जहरीली हवा से लोगों को अब निजात मिल सकेगी। तो दिल्ली एनसीआर में AQI 900 तक के पार हो गया है और लगातार बढ़ता ये एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंता का विषय बन गया है। लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें ला रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि ये जहरीली हवा गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है और जनहित में आज इसी मुद्दे को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। अलग अलग शहरों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। तो इसी पर हम विस्तार से करेंगे बातचीत। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर नेहा जी हैं, MBBS MD SR हॉस्पिटल नोएडा से जुड़ी हुई हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस जहरीली हवा से अपने आप को कैसे बचाना है। तो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जहरीली हवा नजर आ रही है। मुंबई भी इन टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल है और भारत के 3 बड़े शहर, 3 बड़े महानगर इन शहरों में शामिल हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर इससे निजात कैसे मिलेगी। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले मनोज कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, और अनिल मीणा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से, और अमन त्यागी हमारे साथ में है हापुड़ से। सबसे पहले अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, हापुड़ में कैसे हालात हैं? प्रदूषण की मार शहर शहर नजर आ रही है, लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, देखिए मैं बता दूं कि हापुड़ से सटा ये जनपद है हापुड़, और यहाँ पे आज AQI जो यहाँ पर जो दर्शाया गया है वो 334 है लगभग। देखिए लगातार यहाँ पर जो धुंध आसमान में छाई हुई है और लोगों को यहाँ पर सांस लेने में भी काफी परेशानी हो रही है, जबकि प्रशासन अपने स्तर पर यहाँ पर जो है लोगों से ये भी अपील कर रहा है कि घर से बाहर निकले तो वो मास्क भी लगाना। देखिए इस माहौल को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति सी बन गई है और इस पर जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से जो पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको सख्ती से लिया है तो उसके बाद जिला प्रशासन इस पर मुस्तैदी से काम कर रहा है और वो AQI को जो है घटाने के ध्यान दे रहा है। जी गरिमा, साफ तौर पर देखिए हम देख पा रहे हैं कि हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। हमारे साथ में फरीदाबाद से मनोज कुमार भी बने हुए, मनोज का रुख करेंगे। मनोज, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में अब लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, यहां तक कि अब जो चिकित्सक हैं डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस बात को भी कह दिया है कि ये एनवायरमेंट, ये वातावरण गर्भवती महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए या किसी के लिए भी रहने लायक नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। फरीदाबाद में क्या स्थिति है, AQI फिलहाल क्या नजर आ रहा है? अनम्यूट कीजिए मनोज, उसके बाद अपनी बात को शुरू करिए।
बता दें जिस तरह से फरीदाबाद में पॉल्यूशन की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर बुजुर्ग हो या बच्चा लगातार सांस लेने में जो लोगों को परेशानी हो रही है। सुबह के समय अगर बात की जाए तो सुबह का पता नहीं चलता कि सुबह कब हुई है, और पूरे दिन धुंध की जो चादर सी है वो फैली हुई रहती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं भारी मात्रा में बता दें कि किसानों की अगर बात की जाए तो गांव और शहरों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पराली भी जो लोग किसान जला रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो कुमकर्णी नींद सो रहे हैं कि अधिकारियों को उन किसानों के प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। और जो पॉल्यूशन जिस तरह से लगातार फरीदाबाद में इंडस्ट्री एरिया का बहुत बड़ा है, बहुत फरीदाबाद को कहा जाता है कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद में जो इंडस्ट्रिया जो धुआं उगल रही है कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए। कि आज भी देखी जाए कि पॉल्यूशन विभाग के पास जब सूचना मिलती है कार्रवाई के नाम पर कहते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, पर कार्रवाई के नाम पर अभी तक धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पर लगातार जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और दीपावली का जो त्यौहार है वो नजदीक है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो लगातार पटाखे पर, हालांकि सरकार की तरफ से बैन की गई पर आम लोग हैं वो लगातार पटाखे को जला रहे हैं और कहीं ना कहीं जिससे भारी मात्रा में जो पॉल्यूशन है, और सुबह के समय की बात की जाए तो सांस लेने में बड़ी दिक्कतें सामने हो रही है बच्चे और बुजुर्गों, जो डॉक्टरों की अगर पास मरीजों की अगर बात की जाए तो डॉक्टरों के पास बड़ी संख्या में जो मरीज है या बच्चे हैं बुजुर्ग हैं वो सांस लेने को लेके पहुंच रहे हैं, लगातार मरीजों में कहीं ना कहीं इजाफा फरीदाबाद में देखा जा रहा है। बिल्कुल, यानी इन सारी समस्याओं को मरीजों में देखने को मिल रहा है और आम लोग भी मरीज बनते जा रहे हैं क्योंकि लोगों की आंखों में जलन, लोगों को गले में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ नजर आ रही है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। गाजियाबाद से जयवीर मावी का रुख कर लेते हैं। जयवीर, गाजियाबाद में कैसे हालात है? एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर भी डेंजर स्थिति को पार कर गया है, लोगों को दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, बच्चों का स्कूल जाना बंद कर दिया गया, स्कूल बंद होने का आदेश दे दिया गया है। अंदाजा लगाया जा सकता है इन सभी बातों से कि हालात किस हद तक खराब हो चुके हैं। देखिए, आपको बता दें कि जो गाजियाबाद का जो AQI का जो आंकड़ा है काफी चिंताजनक लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी अब उस सारे मामले को लेकर हरकत में आया है। और जहां कल बीते दिनों अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में गाजियाबाद के प्रदूषण को लेकर बयान दिया, और सूचना तो यह भी है कि जो मुख्यमंत्री ने जो गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे काफी सख्त बात करते हुए प्रदूषण से मुक्ति की बात की है, तो जिसको लेकर अब जिला प्रशासन कुछ हरकत सी में नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरह के हालात गाजियाबाद में बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है और लगातार जो प्रदूषण का आंकड़ा है पूरी तरह से बढ़ता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी परेशान है। आम जनमानस जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, चाहे बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों, सभी को कहीं ना कहीं बीमारियों का सामना करना पड़ा, चाहे बुखार की शिकायत हो, खांसी नजले की, यानी कि तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर अब अस्पतालों में भी काफी भीड़ बढ़ी हुई है। अगर गाजियाबाद के हम अस्पतालों की बात करते हैं तो सभी अस्पतालों में अब बेड पूरी तरह से भरे हुए हैं। अस्पतालों में अब जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं गंभीर हैं, और ऐसी स्थिति परिस्थिति में जिस तरह से लगातार जो प्रदूषण की जो AQI की अगर हम बात करें, जिस तरह वायु का जो प्रदूषण का जो स्तर है जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, तो इस स्थिति को अगर हम देखते तो आने वाले समय बहुत भयानक स्थिति हो सकती है यदि जिला प्रशासन इस विषय पर कोई गंभीरता से विचार बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए प्रशासन तो अपनी ओर से कदम उठा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि प्रशासन ने अब बैठकें भी करना शुरू कर दिया, इसके साथ ही इन चीजों को लेकर बात करनी शुरू हो चुकी है कि आखिर क्या कदम उठाया जाए जिनसे इस बढ़ते AQI को मेंटेन किया जा सके। खैर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर नेहा जुड़ी हुई है, MBBS है, MD MR हॉस्पिटल नोएडा से। स्वागत आपका डॉक्टर नेहा जी आज के हमारे इस कार्यक्रम में। नेहा, किस तरीके से रोक सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं? हालांकि पहले ही हमने जो गलतियां की है आज उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ आज आपके लिए जानलेवा होता जा रहा है, लेकिन लोगों को आंखों में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है क्योंकि ये हवा रहने लायक नहीं बची। सबसे पहले मैं जनहित में क्योंकि आपको लेकर आई हूं, इसलिए जनता के हित की बात और जनता का सवाल आपसे पूछ रही हूं, वो ये कि आखिर इस माहौल में कैसे रहें, खुद को कैसे बचाएं, क्या करें? नमस्कार, धन्यवाद आपका मेरे को इस पे बुलाने के लिए, इस मंच पे बुलाने के लिए। देखिए, AQI आप जान ही रहे हैं कि अभी इस टाइम जैसे नोएडा की अगर बात करते हैं तो मोर देन 400 है, और मैंने जैसे पीडियाट्रिक्स किया हुआ है तो आई वुड लाइक कि मैं पहले बच्चों के बारे में बात करूँ। तो जैसे छोटे बच्चे हैं इस टाइम खुद खांसते हुए कफ एंड कोल्ड की कंप्लेंट्स, मेजर कंप्लेंट्स जिसके साथ लेकर आ रहे हैं, ये OPD पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़े हुए हैं आम OPD में। दूसरी चीज़, वो बच्चे जिनको एलर्जिक कॉम्पोनेंट है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है, अस्थमा है, पॉल्यूशन, दे आर अनेबल टू
लाइक कंट्रोल मेडिसिन उतनी ज्यादा काम नहीं कर रही हैं, सोने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, अस्थमा के पेशेंट्स बहुत ज्यादा भर्ती हो गए हैं, एलर्जी कंपोनेंट जिस जिसमें है, बड़े बड़ों में बात करते हैं तो मतलब ओल्ड एज पर्सन, जितने भी बूढ़े लोग हैं जिनको अस्थमा की दिक्कत है, उनका बढ़ गया है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है, और उनको नेबुलाइजेशन और काफी हद तक स्टेरॉइड्स की भी जरूरत पड़ रही है, हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ गए हैं इन रिगार्ड्स टू दिस पुअर एक्यू है, बिकॉज ऑफ दिस पुअर एक्यू है। तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं आमतौर पर जो कि एक्यूआई से रिलेटेड रहती हैं, पुअर एक्यूआई होने की वजह से, जैसे कि अस्थमा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है, और फिर आगे अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पे जाइए तो आप तो जान ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीजें आगे किस तरीके से लिंक हैं। और कोविड के बाद से हमारी जैसे सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, कोविड के बाद से पोस्ट कोविड देखा है हमने, हार्ट अटैक्स वगैरह का भी रहा है, हाइपरटेंशन भी लिंक रहा है, तो ये सारी चीजें इस एक्यूआई के पुअर एक्यूआई होने बिल्कुल की वजह से। बिल्कुल, यानी यानी ये जो वातावरण खराब होता जा रहा है इसके चलते कई और भी दिक्कतें हैं जो आम जनता को झेलनी पड़ रही हैं। ठीक बढ़ है, सकती है आगे और भी ज्यादा। यानी हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अभी इनसे किससे निपटना है, किस तरीके से निपटना है, इसको लेकर हम अभी आगे और आपसे जानेंगे। उससे पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रवीण, दिल्ली में हालात कैसे है? दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है, लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया, लोगों ने किस तरीके से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, आज उसका खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, खुली हवा भी जहरीली हो गई है। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से दिल्ली का जो वातावरण है वो दूषित होता जा रहा है और प्रदूषण की जो मात्रा है, दो दिन पहले जो नोट की गई थी वो 300 से प्लस थी, लेकिन आज का जो एक्यूआई नोट किया गया है वो 400 से 450 एक्यूआई नोट किया गया है, और उसी के चलते जो यहाँ के पर्यावरण मंत्री है मिस्टर गोपाल राय, उन्होंने 14 ऐसे नियम लागू किए हैं, 14 ऐसी चीजों को बंद करने के नियम लागू किए हैं जिनको लेकर दिल्ली के अंदर प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और उसी के साथ साथ जो हमारी यहाँ की शिक्षा मंत्री हैं मिस आतिशी, उन्होंने भी ये लागू स्कूलों के लिए ये लागू किया है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं वो 10 नवंबर तक बंद रहेंगे, और जो छठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उनको उनको ऑनलाइन क्लासेस से, जिस तरीके से लॉकडाउन में ऑनलाइन 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 क्लासेस चलाई गई थी, उसी तरीके से अब दोबारा 10 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। जी बिल्कुल, यानी दोबारा से ये शुरू कर दिया जाएगा ताकि लोग जो है वो घरों में रह सके, सुरक्षित रह सके। देखिए कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन जैसी स्थिति बनती जा रही है, क्या ऐसा लग रहा है प्रवीण कि एक बार फिर से दिल्ली लॉकडाउन जैसी स्थिति में पहुंच गई है, क्योंकि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ जरूरी कारणों के चलते ही लोगों से घरों से बाहर निकलने की अपील की जा रही है, निर्माण कार्यों पर रोक लग गई है। जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोपाल राय ने 14 ऐसी चीजें बंद की है दिल्ली के अंदर, जो कार्य अब नहीं होंगे जब तक प्रदूषण का लेवल कम नहीं हो पाता। जिस तरीके से निर्माण करने वाली जो जो भवन है उनको रोक उन पर रोक लगा दी गई है, जहाँ पे कच्चे रास्ते हैं उन रास्तों को बंद कर दिया गया है, जो प्लम्बिंग का काम है जिस चीज से धूल उड़ती है उस काम को बंद कर दिया गया है, जहां तक कि दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री है उन्होंने यह भी आदेश दिए हैं कि दिल्ली के अंदर पाइपलाइन तक का काम बंद कर दिया जाए, आप उसमें नेट की वायर नहीं डाल सकते, दिल्ली को खोद नहीं सकते, दिल्ली की किसी भी सड़क को, रोड को, नाली को खोदने का जो अनुमति है वो कैंसिल कर दी गई है, और सभी जितने भी जहां पर भी धूल उड़ने की संभावना है वहां पे जो भी कार्य है वो सारे ही के सारे बंद कर दिए गए हैं, और सख्त निर्देश दिए गए हैं, और जमीनी तौर पे इन सारी चीजों को देखा जा रहा है, और ये भी कहा है कि अगर इनका पालन ठीक ढंग से नहीं हुआ तो उन अधिकारियों के ऊपर सबसे ज्यादा कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, साफ तौर पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की जाने की बात सामने आ रही है। अमन त्यागी के पास जाते हैं, हापुड़ से है अमन का, एक बार फिर से रुख करते हैं। अमन, क्या लग रहा है कि क्या इन हालातों को देखते हुए अन्य जगहों पर भी कुछ ऐसे कदम हैं जो उठाए जाने शुरू हो चुके हैं जिनसे हालात बहुत खराब ना हो, क्योंकि हापुड़ हो या आसपास के जितने भी जगह पर रहे हम, सभी जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा बढ़ चुका है जो चिंता का विषय है। हालांकि अब दिल्ली ने देखिए कितनी देरी के साथ में यहां पर कुछ ऐसे कदम उठाने शुरू किए जिनसे उनको राहत मिलेगी, कितनी मिलेगी हालांकि अब उसको लेकर अभी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या हापुड़ में भी ऐसे कुछ नियम जो है वो बनाए जा रहे हैं स्थानीय प्रशासन की ओर से, क्या ऐसी कोई बात सामने आई है? बिल्कुल गरिमा, देखिए मैं बता दूं आपको कि इसके जो जिम्मेदार हैं, जो वायु पोल्यूशन है उसका जिम्मेदार भी जिले के ही कुछ अधिकारी हैं।
जैसे परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग जो सड़कों पर जो पुरानी गाड़ियां दौड़ रही हैं जिससे से धुआं निकलता है वो भी जिम्मेदार जिले के अधिकारी हैं, जो पर्यावरण है, पर्यावरण जो पेड़ कट के आते हैं पूरी रात यहां पर कटान चलता है तो इसके जिम्मेदार भी जिले के अधिकारी हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये अब पर्यावरण जो जो प्रदूषण फैल रहा है इसके जिम्मेदार भी जिले के कहीं ना कहीं अधिकारी हैं। तो कहीं ना कहीं जो डीएम है वो सख्ती से भी हैं, उन्होंने स्कूलों में भी जो सख्त निर्देश दिए हैं कि जो बच्चे आएंगे वो मास्क लगा कर आएंगे और जो यहाँ पर जो निर्माण कार्य है उसको बंद किया जाए जहां पर धूल उड़ती है। तो तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिन पर जिला प्रशासन काम भी कर रहा है लेकिन कुछ जिले के ही अधिकारी हैं जो इसको पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जी गरीब बिल्कुल मनोज के पास एक बार फिर से जाएंगे। मनोज फरीदाबाद से हमारे साथ में जुड़े हुए। मनोज हम देख पा रहे हैं आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी पीछे की जो हवा है वो किस तरीके से धुएं की तरह नजर आने लगी है, यानी हवा में कालापन हो गया है और धुंध जैसे सुबह से लेकर शाम तक छाई रहती है। लोग क्या उम्मीद जता रहे हैं, ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर बारिश हो जाए तो शायद इन हालातों से थोड़ी सी निजात मिल सकती है। बता दें जिस तरह से फरीदाबाद में लगातार 3 दिनों से जो धुंध की जो चादर है वो पूरे फरीदाबाद में छाई हुई है, उसी को देखते हुए फरीदाबाद के जो कैबिनेट मंत्री है मूलचंद शर्मा उन्होंने रोडवेज बसों को सख्त हिदायत दी है कि जिस तरह से जितनी पुरानी बसें हैं जो डीजल से चल रही हैं उनको तमाम जो बसें उनको रोक दिया गया है और अब जो इलेक्ट्रॉनिक जो बस चल रही है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो बसों जो इलेक्ट्रॉनिक बस है वो फरीदाबाद में चलेंगी और जो डीजल से चलने वाली जो बस है उनको रोक लगा दी गई है। पॉल्यूशन के चलते इस बसों पर रोक लगाई है और बड़े पैमाने की अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार एक वायरस खांसी और जुकाम का जो लगातार सांस लेने से जो परेशानी हो रही है वो आम लोगों को सभी को ये परेशानी लगातार बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर की अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर जो लोग हैं वो डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं उपचार के लिए और सभी की दिक्कत यही आ रही है कि जिस तरह से लगातार सांस लेने में दिक्कत आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो गांव से आए हैं उनसे भी हम बात कर ली है कि किस तरह से क्या परेशानी आ रही है। क्या नाम है सर आपको बता दीजिए? अरविंद जी क्या कहेंगे किस तरह की दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश है, हर दूसरे किसी आदमी के गले में खराश है। जो लोग सुबह शाम टहल लिया करते थे अपने खेती के काम से कहीं बाहर खेतों में जाते थे तो अब उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत है सभी लोगों को। गले की जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत है, गले में खराश की जो है वो दिक्कत सबको आ रही है। तो क्या कहेंगे लगातार जिस तरह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन हो रही है, क्या परेशानी इससे आम लोगों को? आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी है, बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी है, हर आदमी डरा हुआ है कि कहीं इससे ज्यादा कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों के पास जा रहा है, डॉक्टरों के पास भी कोई ठीक ठाक कोई इलाज नहीं है लेकिन वो कोई ना कोई दवाई गोली उसको दे रहे हैं। तो एक तरह से लोगों का खर्चा बढ़ गया है और भय का माहौल है कि वो बीमार ना हो जाए, ये समस्या आ रही है। तो पॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो लगातार पॉल्यूशन पे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं, उन्होंने बड़ा एक्शन लिया है कि हरियाणा रोडवेज जो पुरानी बस है जो डीजल से चलती है उन पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। दरअसल ये शहर जो है सिर्फ गाड़ियों का पॉल्यूशन नहीं है, ये शहर एक इंडस्ट्रियल शहर है और यहाँ बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं और भी बहुत सारे पॉल्यूशन फैलाने वाले व्यापार चल रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन है। सड़कों की प्रॉपर सफाई नहीं होती जिसकी वजह से गाड़ियों के सहारे धूल उड़ती है, वो उड़ती ही रहती है पूरे दिन। तो फरीदाबाद एक ऐसा शहर बन चुका है अब कि 24 हमेशा ही वो इतना ही पॉल्यूशन उत्पादन करता है, कोई इस ऐसा नहीं है कि इस सीजन में पॉल्यूशन बढ़ गया है, ये शहर उतना ही पॉल्यूशन पैदा हर वक्त कर रहा है। दिक्कत सिर्फ ये है कि और समय में हवा चलती है तो पॉल्यूशन आगे चला जाता है। किस तरह से पॉल्यूशन जहर से कैसे बचा जाए, क्या अधिकारी इस बार कदम उठा रहे हैं? सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, प्रशासन के अधिकारियों को संज्ञान लेना पड़ेगा और उसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढना पड़ेगा, कोई फौरी तौर पे इलाज, क्योंकि हर बार आता है और ये हमेशा ही रहता है पॉल्यूशन। अगर अब बारिश जिस सीजन में बारिश नहीं होती, हवा नहीं चलती, उस सीजन में लोगों को महसूस होती है, दिक्कत होती है, लेकिन जब ये हवा चलती है, बारिश हो जाती है तो ये निकल जाता है और सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन पॉल्यूशन तो ये शहर हमेशा ही इतना ही उत्पादन कर रहा है तो इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा, नहीं तो लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जाएंगी और इतनी बढ़ जाएंगी कि यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा लोगों को और ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा मजबूरन यहाँ से। फिर जैसे लोग पलायन करके यहाँ आए हैं, ये शहर भी लोग पलायन करके फिर कहीं जाने को मजबूर। बिल्कुल, यानी लोगों के सामने देखिए मनोज हम देख पा रहे हैं कि आपके साथ में जो लोग मौजूद हैं उनको भी यही तकलीफ हो और अब वो हालातों को समझ रहे हैं लेकिन बस बात इतनी है कि अब देरी काफी ज्यादा हो चुकी है। आपके पास लौटेंगे मनोज, आपके पास आएंगे एक बार फिर से जानेंगे हाल, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में प्रेम चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं आप?
प्रेम आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ आ रही आवाज में जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि परमानेंट इलाज ये ढूंढ रहे हैं मैम, ये किसान को हम 2000 रुपया क्यों भेज रहे हैं? फिर वो बंद करके उनकी पराली का इंतजाम गवर्नमेंट को करना चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात, दिन भर बुलडोजर जो घूम रहे हैं उनसे जो तोड़फोड़ मस्ती है उससे पूरा पर्यावरण खराब हो रहा है। नंबर तीन, हमारे गडकरी साहब रोज 5 किलोमीटर जो सड़क बना रहे हैं वो सड़कों में कमी लाए कि उससे प्रदूषण फैल रहा है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, जा जाके जगह जगह कॉरिडोर बन रहे हैं, उनसे प्रदूषण फैल रहा है। उनको धीमा करें कुछ, उसके बाद में आगे की सोचे, ये नहीं है कि दिन भर एक ही काम। यानी कुछ अभी से कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिनसे इस तरीके के हालात अब और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि लोगों के लिए ये जानलेवा है। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश हमारे साथ में कानपुर से जुड़ चुके हैं, एक दर्शक है। सुरेश जी बहुत स्वागत, आपका क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ जो कानपुर नगर के नगर आयुक्त महोदय हैं, महापौर जी हैं, प्रमिला पांडे जी, इनको ध्यान देना चाहिए। जो कचड़े वाली कूड़े वाली गाड़ियां चलती हैं खुला तिरपाल में लेके जाते हैं, जिससे राहगीरों को वहाँ के नागरिकों को सांस लेने में दिक्कत होती है। साफ सफाई की व्यवस्था पर ध्यान दें, और इसे जहरीली हवा तो इससे भी चल रही है और भी आदमी पीड़ित हो रहा है। इसमें नगर आयुक्त महोदय से निवेदन है, इस पर सख्त कार्रवाई करें, खुले में कूड़ा न ले जाएं, इसको तिरपाल ढक के ले जाएं, जहां कूड़ा ढप है उसको भी ढक के रखें, जनता को बताया जा सके। कानपुर नगर वासियों को माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है मेरी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में हवा जहरीली हो चुकी है, लोगों के लिए सांस लेना भी यहाँ पर दुश्वार हो गया है। अब लोग आकर करें तो क्या करें, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण के साथ ये जो खिलवाड़ हुआ ये अब जानलेवा साबित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की इस प्रदूषित आबोहवा को लेकर जो जहरीली हो चुकी है, क्योंकि लोगों का यहाँ पर रहना भी अब दुश्वार हो गया है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर नेहा जुड़ी हुई है, MBBS है MTSR हॉस्पिटल से। नेहा जी आपके एक बार फिर से लौटेंगे। नेहा जी देखिए, अलग अलग जगहों पर हमने रुख किया, आपने संवाददाताओं से जाना कि हाल क्या है, और सभी जगहों पर बदहाल हालत नजर आई है। आपके पास भी, आप नोएडा से हैं, क्योंकि मरीज बढ़ने लगे हैं अब तो। हमने ऐसा भी देखा कि मरीजों को आंखों में दिक्कत हो रही है, मरीज सही से सांस नहीं ले पा रहे, जिसके चलते कई सारी बीमारियां जो है वो बढ़ने वाली है। आपने भी पहले कहा कि खतरा और बढ़ेगा, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अगर ऐसा ही पर्यावरण रहा तो बढ़ेंगी? नेहा जी, अच्छा नमस्कार जी। देखिए बहुत सारी बीमारियां हैं। सबसे पहले तो अगर हम एक्यूट बीमारियों की बात करते हैं तो कफ है, कोल्ड है, एलर्जिक राइनाइटिस है, ये छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं जो अभी हमारे को शुरुआत में फील होगी। आप भी देख रहे होंगे कि हम लोग भी दिन भर में हमारे खांसने की प्रतिक्षमता जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी थोड़ा ऑन एंड ऑफ कफिंग बढ़ गई है। जिनका एलर्जिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है उनको अस्थमा की बीमारी, COPD जिसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, उन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ओल्ड एज पर्सन्स में ये ज़्यादातर मिलता है, सिगरेट स्मोकर्स में ये चीज़ ज़्यादातर मिलती है ये बीमारियाँ। और अगर आप आगे विचरण से बात किया जाए तो जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं, जैसे कि जो कि लिंक्ड होती हैं हमारे को स्ट्रोक्स आने के या आपके हार्ट अटैक के आने के चांसेस, क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आंखों में इरिटेशन बढ़ती है। एक्यूट लेवल पे ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर परसिस्टेंट ये सारी चीज़ें रहती हैं तो आगे जाके इन सब चीज़ों में भी दिक्कत आ सकती है। तो बेसिकली हमें जो ध्यान रखना है अपना कि ये जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ सके, AQI इम्प्रूव हो सके, और हम इन सब बीमारियों से हमें उतना लेवल तक ना जाना पड़े, उतना अच्छा, दूर तक ना जाना पड़े। डॉक्टर नेहा क्या कर सकते हैं अभी इन चीजों को? देखिए ये गलती आम लोगों की ही रही है, गलती इंसानों की है कि आपने प्रदूषण के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया। और देखिए गाड़ियों का जो प्रदूषण होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ये सीधा या फिर जो AC से निकलने वाले एग्जॉस्ट है ये सब भी हमारी हवा पर ही सीधा असर डाल रहे हैं, और आज उसका नतीजा ये है कि अब आपके आसपास की हवा भी खराब हो गई है। नेहा जी मैं आपसे एक नागरिक होने के नाते, दिल्ली नोएडा के आप अगर रहने वाले हैं तो क्या कर सकते हैं और कौन से कदम लोग उठा सकते हैं कि अपने आसपास पेड़ों को लगाना शुरू करें अब, क्योंकि अगर नहीं समझे लोग, अभी भी नहीं जागे लोग, तो शायद आने वाले वक्त में हालात जैसा आपने पहले भी कहा बहुत ज्यादा बुरे हो जाएंगे। जी जैसे कि प्लांटेशन तो हमेशा से हमारा साथ ही रहा है इन सब चीजों में, तो प्लांटेशन तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम अपने घर से अगर शुरुआत करते हैं तो घर में साफ सफाई तो हम रखते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हम अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। बाहर जा रहे हैं तो ग्रीनरी हमें मेंटेन करनी चाहिए, जैसे अगर आप सोसाइटीज में रहते हैं तो आप जरूर जैसे
पेड़ दिवस वो बनाया जाता है, डेज बनाए जाते हैं, तो प्लांटेशन बढ़ाना चाहिए, मास्क लगा के निकलना चाहिए, मिनिमम आउटडोर एक्टिविटीज कर देनी चाहिए, बच्चों को कंस्ट्रेन कर देना चाहिए बाहर जाने से, बहुत ज्यादा अभी बाहर जाना नुकसानदायक हो सकता है, घातक हो सकता है उनके लिए, तो वो आपको कर देना चाहिए। एयर प्यूरिफायर्स वगैरह का बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली इतने पुअर AQI में उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस पर भी हमें आगे करना चाहिए हम, कि हम घर में भी अपना पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिनिमम से मिनिमम जितना कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, यानी ये कदम उठाएंगे अगर तो कहीं ना कहीं हम अपने आसपास जो पर्यावरण हमने खराब किया है, अभी ठीक तो नहीं हो सकता है इन कदमों से, लेकिन कम से कम और ज़्यादा खराब ना हो इसको लेकर हम को हमें इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। मुनिंद्र शर्मा हमारे साथ में नोएडा से ही जुड़े हुए हैं, मुनिंद्र का रुख कर लेते हैं। मुनिंद्र, अभी देखिए डॉक्टर नेहा ने कहा कि हमें बाहर निकलना है तो मास्क लगा कर निकलना है, कोरोना में मास्क लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया था, जिसके बाद ये कहा गया कि मास्क अब, और अब जब कोरोना से निजात मिली, कोरोना लगभग खत्म सा हुआ, इसके बाद मास्क डाउन शुरू हो गया, लेकिन क्या एक बार फिर से हालात ऐसे कि आप लोगों को एक बार फिर से मास्क पहनना पड़ेगा? बिल्कुल गरिमा, मैं सबसे पहले तो एक शेर बोलना चाहूंगा कि नोएडा की आबो हवा के ऊपर है, बिताले यार से दूना हो इश्क मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। ये जो शेर है ये नोएडा के उन अधिकारियों के लिए है जो सिर्फ बार बार पोल्यूशन कंट्रोल का दावा करते हैं, पोल्यूशन के बारे में कहते हैं कि पोल्यूशन कम हो गया है, और जैसे जैसे सर्दियां आनी शुरू होती हैं वैसे वैसे ही इस मर्ज का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बात अगर मास्क की करें, आपने मास्क की बात कही है, तो नोएडा में मास्क काफी लोग काफी समय से लगा रहे हैं, कोरोना के टाइम के बाद से काफी लोगों ने मास्क बंद कर दिए थे, लेकिन फिर से मास्कों का चलन पिछले काफी समय से मैं देखता आ रहा हूँ। तो मास्क लगाना अगर जरूरी है तो जरूरी करना पड़ेगा, लेकिन क्या मास्क लगाने से ही पोल्यूशन कम हो जाएगा? सवाल सबसे बड़ा ये गरिमा उठता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मास्क लगाने से पर्यावरण को कम तो नहीं किया जा सकता, या जो प्रदूषण है ये कम नहीं हो सकता, लेकिन खुद को बचाने के लिए, अब हालात ऐसे हैं कि आपको खुद को भी बचाना है, क्योंकि आपके ऊपर सीधा तौर पर ये जो प्रदूषण है वो अब अटैक करना शुरू कर चुका है। आप सांस ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन ये सांस आपकी ये जो जहरीली हवा है ये 25 से 30 सिगरेट के बराबर जहरीली हो चुकी है। आप समझ सकते हैं, एक तरफ हम ये मुहिम चलाते हैं कि जो धूम्रपान है ये हानिकारक है, सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन आप सोचिए, आप सिगरेट नहीं पीते, आप खुली हवा में बैठे हुए, आपको लग रहा है कि आप सुरक्षित हैं, तो नहीं है, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं तब भी आपको 25 से 30 सिगरेट तक का नुकसान पहुंच पा रहा है। हालात बहुत खराब है। एक बार फिर से हमारे साथ में मनोज है, उनके पास जाएंगे। मनोज, मास्क एक बार फिर से लगाने की जरूरत आ गई है क्या फरीदाबाद के भी हालात, क्योंकि जिस तरीके से है आपके पीछे हम देख पा रहे हैं धुंध अभी से छाई हुई है। अनम्यूट मनोज, अनम्यूट कीजिए। मनोज की आवाज नहीं मिल रही। मनोज आपसे हम जवाब लेंगे। मनोज, मनोज आपके पास लौटेंगे, उससे पहले कुछ दर्शक हैं उनको छोड़ लेते हैं, उसके बाद आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे। गिरीश शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गिरीश जी बहुत स्वागत, आपका क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब की असंतुलित विकास नीतियों ने और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं ने अपनी पार्टी के फायदे के लिए काम करने के कारण ये देश पूरी तरह बर्बाद हो गया है, और ये देश अब आगे उभर नहीं पाएगा। लोगों को खड़े खड़े हार्ट अटैक इसीलिए आ रहा है मोदी साहब की नीतियों की वजह से, मोदी साहब की वजह से ये पॉल्यूशन है। 10 साल हो गए उनको ये पराली का मामला झेलते हुए। मैं मोदी साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो पंजाब या जितने भी इलाके हैं वहां पर कागज इंडस्ट्री लगावें, जो पराली से मोटा कागज, दफ्ती और ये बासी कागज ये सब बनवाएं जो पैकिंग मटेरियल में काम आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गिरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ में है, दिल्ली से राजेश जी हैं। राजेश जी बहुत स्वागत, आपका क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम जी। जी मैं इग्नो नेस सराय से बोल रहा हूँ, इग्नो रोड से। यहाँ पर जो है मेन इग्नो रोड पे, मेन रोड पे जो है करीब एक ट्रक मलबा पड़ा हुआ है 3 दिन से, एक ट्रक। आप अपने न्यूज चैनल पे इसका फ्लैश चलाइए। इग्नो रोड पे 3 दिन से, इग्नो रोड पे नेस राय पे 3 ट्रक मलबा पड़ा हुआ है, और वो बहुत बदबूदार, सबको परेशान कर रहा है। कोई इस पे शिकायत पे कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा, ना MCD दे रही है, ना दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। प्लीज इसको जो है अपने चैनल के माध्यम से इस चीज को आप जो है सरकार के उसमें लाइए संज्ञान में, और इस समस्या, क्योंकि पर्यावरण के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। 3 दिन हो गए,
बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है, सारे लोग बिल्कुल यानी अलग अलग जगहों पर लापरवाही जो है वो अभी भी जारी है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें हो रही है। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। फरीदाबाद से मनोज के पास जाएंगे। मनोज, मास्क को लेकर मैंने सवाल किया था कि क्या हालात एक बार फिर से हो चुके हैं ऐसे कि मास्क पहनना पड़ेगा? फरीदाबाद में पॉल्यूशन बढ़ा है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत सामने आ रही है, क्योंकि सांस लेने में दिक्कतें आ रही है। अब इससे अगर अंदाजा लगा जा सकता है कि जो आम लोग हैं वो घर से बाहर अगर निकलेंगे या बाजार जाएंगे तो उन्हें मास्क लगा के निकलना पड़ेगा। और बता दें, जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन विभाग की तरफ से लगातार अब कार्रवाई भी फरीदाबाद में तेज कर दी गई है। और बता दें कि जो इंडस्ट्री एरिया है, जिस तरह से चिमनियां चल रही हैं लगातार, उन पे भी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई चल रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनको सांस लेने में बड़ी दिक्कतें भी हो रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या कहना चाहेंगे वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जो पॉल्यूशन का स्तर है वो दिनों दिन खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से सुबह योगा जाने वाले लोग हैं, वॉक करने वाले लोग हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने घर में एयर प्यूरिफायर भी लगाया हुआ है तो उसको भी जो है इतनी ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने के बावजूद वो काम करने बंद कर दिया है। देखिए, मेरे को सांस की बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, तो मैंने इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए घर में एयर प्यूरिफायर लगाया है, लेकिन उसका जो जो कलर रहता है ग्रीन होने के बजाय रेड रहा रहता है, क्योंकि इस बार जो जो वातावरण है, जो प्रदूषण है, वो हर साल के मुकाबले बड़ा है। क्योंकि हर बार हम देख रहे थे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 रहता था, लेकिन इस बार वो 500 को पार फरीदाबाद में कर चुका है और दिल्ली में तो ये 900 को पार कर चुका है। तो ऐसे में सुधार कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। प्रशासन जो है पेपरों पर तो काम कर रहा है, लेकिन जमीन हकीकत में कुछ नजर नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि पेड़ों पर पानी की छिड़काव किया जा रहा है, सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन कल शनिवार रहा और आज रविवार है। तो समझिए, जब इतने ज्यादा हालात खराब है तो फिर उन प्रशासन के लोगों को छुट्टी आखिर क्यों दी गई? आज भी उनकी जो है ड्यूटी पर लगाकर उनको जो है पानी का छिड़काव करने दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो आज छुट्टी पर है। तो देखिए शहर के हालात क्या हो चुके हैं। देखिए, शहर के हालात अलग अलग जगहों पर खराब होते जा रहे हैं। जयवीर हमारे साथ में लगातार बने हुए गाजियाबाद से। जयवीर, देखिए दिल्ली की बात करें, दिल्ली सरकार ने यह भी कह दिया है कि भाई केंद्र के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की अब स्थिति आ गई है। मनोज आपके पास लौटेंगे इससे पहले जयवीर का रुख कर लेते हैं। जयवीर, दिल्ली सरकार की ओर से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या गाजियाबाद या आसपास के इलाकों में भी कोई ऐसी बैठकें हो रही हैं? क्या कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जा रहे हैं? क्या गाड़ियों को लेकर कोई बात सामने आई? क्योंकि अभी तक दिल्ली में ऑड इवन की स्थिति थी, लेकिन गाजियाबाद या अन्य जगहों पर हम देखें, नोएडा में देखें, यहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद में अभी ऐसे कोई निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं। यदि हम छिड़काव की भी बात करते हैं तो वाटर कैनन के माध्यम से जो गाजियाबाद का शहरी क्षेत्र है केवल वहां पर अभी पानी का छिड़काव सड़कों पर किया जा रहा है, जिससे कि जो वाहनों के साथ उड़ने वाली जो धूल है वो कुछ कम हो सके। लेकिन शहर के अलावा अगर हम जनपद गाजियाबाद की अन्य जगह देखते हैं, चाहे दिल्ली से सटा हुआ एरिया हो या फिर अन्य जगह, जहां पर अति आवश्यकता है वहां पर वाहनों से छिड़काव नहीं किया जा रहा। वहीं मैं आपको बता दूं कि लोनी नगर जो क्षेत्र में जो प्रदूषण विभाग के कर्मचारी हैं, उनका नया खेल सामने आया था, जिस खेल को हमने प्रमुखता से दिखाया भी था कि जो वाटर कैनन के माध्यम से जहां पर एक्वाई मशीन यानी कि जो यंत्र लगे हुए थे, जहां पर प्रदूषण का जो शुद्धता का डिस्प्ले बोर्ड भी था और पूरे क्षेत्र की जो एक क्वालिटी थी उसको नापने का एक यंत्र था, उसके चारों तरफ केवल चोरी से वो भी एक तरफ दीवार की तरफ खड़े करके एक वाटर कैनन के माध्यम से केवल पानी का छिड़काव उस मशीन के आसपास किया जा रहा था कि जिससे कि जो मशीन है वो आंकड़ों पर ना बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं जनपद गाजियाबाद में आंकड़ों का भी खेल यहाँ पर चल रहा है। और वहीं प्रशासन ने अभी तक ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है जिससे इस प्रदूषण पर रोक लग सके, चाहे वो अवैध इंडस्ट्री हो या फिर वैध इंडस्ट्री हो, किसी भी तरह की जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर बंदी के आदेश जिला प्रशासन की तरफ से अभी नहीं दिए गए हैं और ना ही प्रदूषण विभाग या स्थानीय प्रशासन उन अवैध फैक्ट्री संचालकों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रहा है और ना ही वहां पर अभी ऐसी कोई कार्रवाई की जा रही है जो वास्तव में की जानी चाहिए, जिससे कि जो आम जन है उसको। लेकिन जयवीर, ऐसे हालात कैसे सुधरेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली के हालात है, बल्कि यूपी के गाजियाबाद या नोएडा, इन सभी जगहों पर देखें तो यहां पर भी हालात बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि सीधा कनेक्टिविटी है। अशोक विहार
बहुत नजदीक है नोएडा के, दिल्ली के बॉर्डर पर है, वहां पर AQI 700-800 तक जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि नोएडा में भी हालात किस कदर हैं, और खास तौर पर इंडस्ट्रीज या जितनी भी इस तरीके की चीजें हैं वो ज्यादा हैं बॉर्डर पर, तो वहां पर तो और ज्यादा मेजरमेंट होने चाहिए। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने कुछ गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, ऐसी कोई जानकारी मिली क्या? देखिए गरिमा, जिस तरह से जो नोएडा की आप बात कर रहे हैं 700 से ज्यादा AQI है, अगर ईमानदारी से प्रदूषण विभाग आंकड़े पेश करे तो यहाँ भी 900 से कम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी भी 495 के आसपास जो डिस्प्ले बोर्ड दिखा रहा है वहां पर आंकड़ों का खेल किया जा रहा है, वहां पर वाटर कैनर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है जिससे वो मशीन है उन आंकड़ों को ना बढ़ा सके। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो AQI नापने की जो मशीन है, यानी कि जो हवा की शुद्धता के लिए मशीन लगाई गई थी, उस मशीन के साथ भी धोखा किया जा रहा है, जिससे कि जो आंकड़े, क्योंकि इन्हीं मशीनों के माध्यम से जो आंकड़े हैं वो देश भर में इकट्ठा होते हैं, और उस मशीन के आसपास का जो वातावरण है वहां पर केवल छिड़काव कर देने से, क्योंकि वहां की हवाओं में अगर वातावरण की हवा जो गुणवत्ता सही होगी तो वही डिस्प्ले पर जाएगा, और वही निर्देश यानी कि वही आंकड़ा जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार को जाएगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर मैं बता दूं कि केवल आंकड़ों का खेल खेलने के लिए प्रदूषण विभाग काम कर रहा है, जमीनी हकीकत पर उतरने को तैयार नहीं है। यहाँ पर लोगों को तमाम जगह, अभी आप देखिए कि अभी 6 नहीं बजे हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे लग रहा है जैसे 7 बज चुके हों, अंधेरा हो चुका है, दिन में सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए, दिन भर धूल भरी सड़कों पर, धूल भरी हवाएं देखने को मिल रही है, उसके अलावा जो अभी दिन ढलते ही यहाँ पर जो अवैध फैक्ट्रियां हैं उनका प्रदूषण शुरू हो जाएगा, और रात को आप मकान से बाहर निकलकर हवा नहीं ले सकते हैं, सुबह आप बिल्कुल, अब देखिए अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं और अब चीजें बिल्कुल अलग हो गई हैं, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, सभी जगहों पर लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। प्रवीण गुप्ता के पास एक बार फिर से जाएंगे। प्रवीण, देखिए दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग तक की बात कही गई है, कब तक होने वाली है, क्योंकि हालात तो इमरजेंसी जैसे ही नजर आ रहे हैं। अब बता दूं जो इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है उसको कल हो सकता है कल वो इमरजेंसी मीटिंग रखी जाए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे वो गोपाल राय जी हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री आतिशी है, चाहे वो और मंत्री हैं, जो वो सभी लोग मिलके ये मीटिंग कल हो सकता है कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रदूषण का जो लेवल है दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है, और दिल्ली के लोगों ने जहां तक है कि मास्क लगाना भी अब तक शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उन कड़े नियमों का पालन करवाने की निचले लेवल के जो अधिकारी हैं, जमीनी लेवल के जो अधिकारी हैं, उनसे पूरी कोशिश कर रही है कि निचले लेवल के जो अधिकारी हैं वो जमीनी हकीकत को जाने और प्रदूषण को पहचाने, और उसी के साथ साथ उन लोगों पे कार्रवाई करने की बात तक कही है उन्होंने। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हालात जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जनहित में आज हम बात करें कि किस तरीके से हालात जो हैं वो बदहाल हो चुके हैं, और हमने देखा दिल्ली की हो या नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इन सभी जगहों पर हालात खराब हो चुके हैं। जनहित में आज इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।